बिलियन को इनको लिखते हैं बी, और जैसे यहाँ पर देखिए हंड्रेड अगर ऐसे लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है और टी लिखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे 10 मिलियन, और इसको पढ़ेंगे 10 बिलियन, इसको पढ़ेंगे 10 ट्रिलियन, ऐसे होता है 10 जेड लिख दिया था तो जिलियन, तो इस प्रकार से होते हैं। तो अगर 100 बिलियन है और इसको भारतीय रूप में बढ़ना, तो बिलियन में बढ़ना बदलना है इसको भारतीय संख्या में, तो ये क्या करना है कि ये अरब है यानी कि ये बिलियन है, इसको 1 अरब से यानी कि 1 अरब से गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 100 अरब। ऐसे अगर आपका है कि 1000 ट्रिलियन है, और 1000 ट्रिलियन है तो इसको क्या करेंगे 1000, उसके बाद में ट्रिलियन को आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ट्रिलियन क्या होता है 10 खरब, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1000 10 खरब, तो 1000 10 खरब का मतलब क्या होगा, 10 खरब का मतलब 10 खरब, तो ये कितना हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो ये कितना हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये 10,000 खरब हो जाएगा। तो इस तरह से इंडियन नंबर सिस्टम में या कोई इंटरनेशनल संख्याएं हैं इनको हम बदल कर पढ़ सकते हैं।